नवरात्रा स्पेशल एपिसोड में पहले दिन आइए हम आपको दर्शन कराते हैं माता ज्वाला देवी मंदिर का। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि अकबर ने पहले पानी डलवा कर की थी माँ ज्वाला को बुझाने की कोशिश, फिर बाद में हो गए थे खुद नतमस्तक। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं माता ज्वाला देवी मंदिर की। देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है यह मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। मंदिर कालीधार पहाड़ी के बीच स्थित है। माता की महिमा अपरंपार है। माता भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती है। बस श्रद्धा एवं भक्ति सच्ची होनी चाहिए। माता ज्वाला देवी का मंदिर देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ की ज्वाला माता की जीव को दर्शाती है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। इन्हें जलाने में किसी भी तरह के तेल एवं बाती का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 9 में से सबसे प्रमुख ज्वाला महाकाली की है। मंदिर में ज्वाला के रूप में सबसे पहले माँ चंडी विराजमान है। इसके बाद माँ हिंग जाल और माँ विंध्यवासिनी है। बीच में माँ ज्वाला जी के दर्शन होते हैं। उनके साथ माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। नीचे की ओर माँ सरस्वती एवं महालक्ष्मी विराजती हैं। इन मंदिरों में मूर्तियां नहीं है, बल्कि ज्योति ही माता के रूप में है। मंदिर के गर्भगृह में ज्वाला को माता का रूप मानकर पूजा जाता है। आपको बता दें कि मंदिर की ज्वालाएं लोगों को अचरज में डाल देती हैं। भक्त श्रद्धा से देवी की कृपा के आगे सिर झुकाते हैं। ज्वाला देवी में एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर के पास ही गोरख डिब्बी है। यहाँ एक कुंड में पानी खौलता हुआ नजर आता है और इसमें हाथ डुबोने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। अकबर ने हजारों लीटर पानी डालकर इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी। बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में सुना तो वह हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने ज्वालाओं को बुझाने के बाद नहर का निर्माण करवाया। उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दे दिए। कहा जाता है कि लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। देवी माँ की अपार महिमा को देखकर उसने 125 किलो सोने का छतर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छतर कबूल नहीं की। और बताया जाता है कि अकबर का चढ़ाया गया छतर किस धातु में बदल गया, इसकी जांच के लिए 60 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर यहाँ वैज्ञानिकों का दल पहुँचा। छत्र के एक हिस्से का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर इसे किसी भी धातु की श्रेणी में नहीं मान पाए। जो भी श्रद्धालु शक्ति पीठ में आते हैं वे अकबर के छत्र और नहर देखे बगैर यात्रा को अधूरा मानते हैं। कहा जाता है कि आज भी छत्र ज्वाला मंदिर के साथ भवन में रखा हुआ है। मंदिर के साथ नहर के अवशेष भी देखने को यहाँ मिलते हैं।